सीधे रुख करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येन जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है, उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है, इस बात से लोग घबराए हुए हैं, और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, इनको सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना है। सर, जो पॉलिटिकल वेंडेटा की आप बात कर रहे हैं, हमने खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इस बारे में बात की, ये सवाल भी पूछा पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर के। उनका ये कहना है कि एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी थी, तभी तो एक्साइज जो लाइसेंस, अच्छा जो जहरीली शराब से मौत हुई 100 से ज्यादा लोगों की गुजरात में, उसमें कोई कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी ने? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, नितिन संदेसरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, एबीजी सिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का घोटाला किया, 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, इनके खिलाफ कोई जांच हुई आज तक? येदुरप्पा के खिलाफ कोई जांच हुई? कोई सजा हुई उसको? रेड्डी ब्रदर्स पे कोई सजा हुई? व्यापम घोटाले में कोई सजा हुई? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर मोदी जी की सरकार लूट रही है, उन पे कहीं का आप कभी कोई सुनते हैं कि कोई एक पुलिस की भी छोटी सी कार्रवाई हो जाए? तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पे देश के लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन सर, ये एक्साइज पॉलिसी जो है, इसको कैंसिल, अरे भाई ये ऐसे 50 बार कर चुके हैं। आप याद कीजिए, ऐसे ही चिल्ला रहे थे जब राजेंद्र कुमार के ऊपर छापा मारा था, बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, इतने फ्लैट, इतनी कंपनियां, कहां गया? कुछ हुआ आज तक? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिसी को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, अच्छा यही पॉलिसी को लेकर बैजल पर रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए, बैजल के लिए चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी ने, छापा पड़ा बैजल के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाजपा नेताओं को दलाली मिली है, उन पे जांच नहीं होगी। इसी पॉलिसी में, अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले बैजल जी ने बदला, उन पे सीबीआई जांच की मांग उप मुख्यमंत्री ने किया, चिट्ठी लिखा बाकायदा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पूरी बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी हो जा रही। तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर सर, अब आगे क्या रणनीति रहे, क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, आगे चुनाव भी है, करें सीबीआई की जांच, स्वागत है इनका, हम लोग पूरी तरीके से कॉपरेट करेंगे, पहले भी कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा, ये कह सकता हूँ। मनीष सिसोदिया जी एकदम बिल्कुल साफ सुथरे होके निकलेंगे, कहीं कोई, पहले ये लोग सैकड़ों जांचें करा चुके हैं, कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, इनको ये इनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट का नतीजा है। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के सांसद है, कह रहे हैं कि छापों की असली वजह दरअसल राजनीति है, भ्रष्टाचार नहीं। विपक्ष और केजरीवाल से लड़ना चाहती है मोदी सरकार, इसीलिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।